हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे लिंडे इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, और ऑल टाइम पे रिटर्न 70,432% का पॉजिटिव रिटर्न है। कंपनी 1999 में करीब 38 रुपये पर ट्रेड कर रही थी, आज करीब 6,820 रुपये पर ट्रेड कर रही है, और अपना जो 52 वीक हाई है लगभग 10,000 के समथिंग लगा है 9,935 रुपीज़, और वहाँ से काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी ट्रेड कर रही है। 30% तक कंपनी गिर चुकी है। कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कंपनी के कामकाज के बारे में, फिर बात करेंगे प्राइस एक्शंस के बारे में, फिर बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल स्टेटस के बारे में, और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी हैं ये हम सब बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, और अगर लिंडे इंडिया शेयर आपके पास है तो डेफिनेटली है आप इस वीडियो को अंत तक देखना, जरूर आपको फायदेमंद रहेगा। दोस्तों पहले बात करते हैं कंपनी के कामकाज के बारे में। मेकिंग अवर वर्ल्ड मोर प्रोडक्टिव पीपल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव। तो लिंडे इंडिया मेनली जो इंडस्ट्री गैसेज है उनमें डील करता है। तो लिंडे इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्री गैसेज एंड इंजीनियरिंग कंपनी, सर्विस ए वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट। वी रिप्रेजेंट इंडिया बाय सेवरल एंटिटीज फ्रॉम मेटल टू केमिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, फूड, बेवरेज, हेल्थ केयर, मोर। वी ऑफर प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन फॉर ए लार्ज वैरायटी ऑफ एंड मार्केट। अवर पीपल आर ड्रिवन टू लीड इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइड सोल्यूशन ओरिएंटेड अराउंड द ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। तो कंपनी बहुत ही शानदार है दोस्तों। इंडस्ट्री गैसेज चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, नियोन हो, ऑर्गन हो, क्रिप्टोन, जितनी भी गैसेज हैं इंडस्ट्री हैं उनमें डील करती है। और देखो अभी जो इंडिया की इकोनॉमी है या वर्ल्ड की इकोनॉमी गैसियस की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है, एक रिन्यूएबल एनर्जी भी एक सोर्स है बट गैसियस एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिविटी हमें बनी हुई है, और डेफिनेटली फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पे हमें मिल सकता है। कंपनी बहुत ही शानदार है और आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न दे पाएगी। हालांकि अभी तक इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है नो डाउट, 17,000% के समथिंग पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहीं अगर 5 साल की बात करें तो 1,046% का पॉजिटिव रिटर्न है, जो कि पैसे को 5 साल में 10 गुना किया है, और 1 साल का रिटर्न देखिए 12.86% है, 6 महीने का रिटर्न देखिए नेगेटिव में 24% है, 1 मंथ का रिटर्न देखिए नेगेटिव में 20% है, 5 दिन का देखिए नेगेटिव में 8% है, और आज करीब 1% पॉजिटिव है। तो दोस्तों कंपनी बहुत ही शानदार है, अच्छा रिटर्न दिया है, फ्यूचर में भी देगी नो डाउट, बट बात है कि आप पेशेंसली कितना होल्ड करते हो, सबसे बड़ी बात यह है। दोस्तों कंपनी के अगर फाइनेंशियली पैरामीटर देखें तो लिंडे इंडिया इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्री गैसेज एंड फील्ड से बिलोंग करती है। करंट मार्केट प्राइस 6,816.95 करोड़ है। नंबर ऑफ 52 वीक हाई की बात करें 9,935.05 है, 52 वीक लो की बात करें 5,325 है, मार्केट कैप 58,137.83 करोड़ है। तो अभी दोस्तों एक बोल सकते हैं कि मिड कैप कंपनी है, एंटरप्राइजेज वैल्यू 57,158 करोड़ है, नंबर ऑफ शेयर 8.53 है, पी कंपनी का बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू है 132.91, प्राइस टू बुक वैल्यू 16.38, फेस वैल्यू 10, डिविडेंड 0.18% के हिसाब से डिविडेंड पे आउट करती है, बुक वैल्यू 416.06 है, कैश कंपनी के पास में 979.83 करोड़ है, डेट 0 करोड़ है, तो कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, पूरी तरीके से कैश रिच कंपनी है। तो भैया ये कुछ भी कर सकती है फ्यूचर में, कैपेक्स की बात करें या फिर और भी फैसिलिटी ये ला सकती है इंडस्ट्री गैसेस से रिलेटेड, और इंडस्ट्री गैसेस की फ्यूचर में बहुत डिमांड बढ़ने वाली है। जैसे जैसे इंडस्ट्री है और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी कहीं ना कहीं इसकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ेगी। प्रमोट होल्डिंग 75% काफ़ी अच्छा है, अर्निंग पर शेयर 51.29 है, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में 11.70 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.03 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.66% है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में 20.43% है, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ ROE ROC ठीक ठाक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर 75% है, पब्लिक ओनली 15.7 है, DI 6.88 है, FI 2.42 है, कोई भी शेयर मतलब डिक्रीज हुआ नहीं है। अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में थोड़ा सा डिक्रीमेंट हमें यहाँ देखने को मिला है, जहाँ सितंबर 2023 में नेट सेल्स 711.35 करोड़ था, वहीं घट के 634.42 करोड़ हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर 537.73 करोड़ से घटकर 455.58 करोड़ हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 173.62 से बढ़कर 178.84 हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 106.71 से घटकर
104.39, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिक्रीज देखने को मिला है। एडजस्टेड ईपीएसवी की बात करें तो 12.51 से घटकर 12.24 हो गया है, तो थोड़े से हमें फाइनेंशियल पैरामीटर वीक होते हुए नज़र आ रहे हैं, बट दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देती हुई नज़र आ सकती है। तो लिंड इंडिया को आप डेफिनेटली रडार पर रख सकते हो, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में आप इस शेयर के बारे में सोच सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।